हेलो दोस्तों, मैं हूं रुको। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम परफेक्टली बिरयानी राइस को किस तरह से कुक करें। और यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही खिली खिली राइस हमारी बनके तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज की इस रेसिपी को बनाना। तो यहां पर हमने लिया है लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस, 250 ग्राम ये राइस है। और इसे हमने 2 से 3 बार अच्छी तरह से वॉश कर लेना है हल्के हाथों से। और फिर इसमें हम पानी डाल देंगे और इसे हम सोक करने के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए। और यहाँ पर हमने पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। जितना हमने राइस लिया है उसके हमें 3 से 4 गुना पानी का इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें डाल देंगे खड़े गरम मसाले, 2 टेबलस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे, 1 टेबलस्पून हमें इसमें लीमू का रस डालना है और 2 टेबलस्पून हम इसमें तेल डाल देंगे और हम इसमें बॉईल आने देंगे। और यहाँ पर पानी में बॉईल आने लगा है। अब हम इसमें हमने जो चावल को सोक करके रखा था उसका पानी निकाल लेंगे और इस चावल को इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमें इस बात का ख्याल रखना है कि पानी में बॉईल आने के बाद ही हम चावल को इसमें डालेंगे। अब गैस की फ्लेम को आप मीडियम कर लेंगे और इसे हमें 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बॉईल कर लेना है। और इस तरह से हमें इसे एक ही बार चलाना है, बार बार हम इसे नहीं चलाएंगे वरना हमारे जो चावल है वो टूट जाएंगी। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो चावल के ग्रेन्स है वो इस तरह से लंबे हो चुके हैं। यहाँ पर हमें चावल को 80 से 90% कुक कर लेना है। तो अब हम इसे चेक कर लेंगे कि ये कितना पका है। तो यहाँ पर मैंने चावल का एक दाना लिया है और इस तरह से मैंने इसे बीच से तोड़ लिया है। तो ये आसानी से टूट रहा है और इसको तोड़ने के बाद इसके 2 ही टुकड़े हुए हैं। ज़्यादा इसमें कच्चापन नहीं है, ये सॉफ्ट है और ये 90% कुक है। इस तरह से हम इसे चेक कर लेना है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और एक स्ट्रेनर से हम इसे इसका जो पानी है वो निकाल लेंगे, चावलों को अलग कर लेंगे। इन चावलों का पानी स्ट्रेन करने के बाद इस पर हम डाल देंगे ठंडा पानी ताकि जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाए। और इस तरह से एक प्लेट में हम इसे फैला कर रख देंगे। आप चाहे तो इसे फैन के नीचे भी रख सकते हैं। और यहाँ पर आपने देखा कितना आसान है बिरयानी के लिए राइस को बॉईल करना। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उस पर क्लिक ज़रूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।